मालदा जिले में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने फिर मंगलसूत्र और विरासत टैक्स को लेकर बयान दिया। पीएम ने कहा कि ईडी गठबंधन महिलाओं, आदिवासियों और गरीबों के खिलाफ खतरनाक कानून लाना चाहता है। कांग्रेस ने महिलाओं का मंगलसूत्र, आदिवासियों के गहने, हर किसी की प्रॉपर्टी जांच कराने का ऐलान किया है। इसके लिए कांग्रेस के शहजादे विदेश से एक्सरे मशीन लाए हैं, वे पूरे देश में एक्सरे करेंगे। कांग्रेस का इरादा सभी का पैसा, सोना चांदी, जमीन कब्जा करने का है। उसका एक हिस्सा वे लोग अपने वोट बैंक को दे देंगे। ये कांग्रेस ने घोषणा की है, लेकिन टीएमसी वाले उसके खिलाफ नहीं बोलते। पीएम मोदी ने मालदा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभा की। 2019 के लोकसभा चुनाव में मालदा उत्तर सीट से भाजपा के टिकट पर खगेन मुर्मू ने जीत हासिल की थी, जबकि मालदा दक्षिण सीट पार्टी मामूली अंतर से हार गई थी। इन दोनों सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान होना है। पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल में ऐसा कोई काम नहीं है जो बिना किसी कट कमीशन के होता है। टीएमसी सरकार ने तो किसानों को भी नहीं छोड़ा। अगर किसान मंडी अनाज बेचने जाते हैं तो एक बड़ा हिस्सा बिचौलिए खा जाते हैं। इसी के साथ बने रहिए एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।